सोचिए इन लोगों की कितनी गिरी हुई सोच है कि बजू के जगह पर हमारे शिवलिंग को रखकर फुब्बारा बताते हैं ये लोग। इनका सोच इतना गिरा हो सकता है हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे शिवलिंग के ऊपर गुंबद बनाकर अपने शरीर की सारी गंदगी को उस पर गिराते हैं और कहते हैं फुब्बारा है। हाँ, एक तो तुम मेरा ही अनाज खा रहे हो और हम ही को पढ़ाते हो कि यहाँ पर फुब्बारा है। जरा ये तो बताइए कि 352 साल पहले पाइपलाइन कहाँ से लाया था तू जो फुब्बारा बना दिया हमारे शिवलिंग पर। इनको जब शक हुआ कि मुद्दा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है तो ये सबूत को मिटाने के लिए नए नए तरकीब अपनाने लगे और नए नए दीवाल बनाने लगे। लेकिन जिसके अंदर पूरी ब्रह्मांड की शीतलता जल और ज्ञान समाया है उसको तुम क्या कैप्चर करोगे। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि उनके एक भक्त को भी तुम कैप्चर कर पाओ और उनके डमरू त्रिशूल नंदी स्वास्तिक और तू और खुद उन्हें भी कैप्चर करने चले थे। अब लाख बहाने कर लो तुम, मंदिर हम बनवाएंगे, हम परशुराम के चेले हैं, जिद पर आ गए तो अयोध्या वाराणसी के बाद अब आगरा में भी अपना झंडा लगवा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।